इस समय जो है दिल्ली में आगामी महीने में विधानसभा चुनाव का जो पूरा माहौल है हमें देखने को मिलेगा। दिल्ली में आगामी महीने में विधानसभा चुनाव होने भी वाले हैं, उसी को लेकर आखिर दिल्ली की जनता के मन में क्या है, दिल्ली की जनता किसको पसंद करेगी, किसको अपना आशीर्वाद देगी और आखिर किसको इस बार मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठाने का सौभाग्य देगी, इस पूरे मामले को लेकर जानेंगे कि आखिर जनता क्या सोचती है। जनता से सीधा जाके हम जमीन पर बात करेंगे, जमीनी हकीकत आपको दिखाएंगे, ग्राउंड जीरो से सीधी रिपोर्ट हम आपके पास लेकर, तब तक ले बने हमेशा पंजाब के। मेरे हिसाब से तो बीजेपी ही आएगी, क्योंकि वो जिस हिसाब से सेंटर में काम कर रही है और जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर अगर वो आ जाएगी तो दिल्ली की और जो सुधार जो और ज़्यादा कर देगी, क्योंकि जो पीछे 10 साल से जो चल रही है आम पार्टी वो इतना अच्छा काम नहीं कर पाई है। तो मैं तो ये किन चीज़ों को लेकर शिकायत है आम आदमी पार्टी? सफाई को लेकर है सबसे पहले तो, क्योंकि जिस जगह हम रहते हैं वहाँ देखते हैं वहाँ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, और जो उन्होंने वादे किए थे वो किसी भी वादे पे मैं नहीं समझता पूरा उतर रहे हैं। काम कुछ उन्होंने ठीक किए हैं लेकिन ऐसा नहीं कह सकते जितने उन्होंने वादे किए हैं सारे वादे उन्होंने पूरे किए। आम पार्टी को आम पार्टी पूरी कर रही है, सबको पानी बिजली पानी अच्छा आता है सही बात नहीं। आम आदमी पार्टी जीतेगा जी, बिल्कुल जीतेगा। बिल्कुल किया है अच्छा काम जी। अच्छा पहले कांग्रेस की सरकार थी, आपने देखा भी होगा उसमें तो काम कैसा था, क्या दोनों में अंतर नजर? कांग्रेस से अच्छा मतलब ये कर रहे हैं काम, ये स्कूल उस्कूल सब चीज में जो है बच्चे की पढ़ाई उड़ाई सब चीज अच्छे है। कौन सी पार्टी अपनी बात जीत सकती है विधानसभा चुनाव में, आम आदमी बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। जी इतना मैं नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, आपकी सरकार से क्या मांगे कि आप लोगों की किस तरह से मदद करें? हम तो मजदूर हैं, हम क्या मदद करेंगे हम लोगों की? आम आदमी पार्टी की सरकार में है, ना खुश है पार्टी से, क्या मसला? नहीं, जो भी सरकार है काम अच्छा करेगा तो आएगा। केजरीवाल जीतेगा आपको पक्का? जीत इसलिए होगी क्योंकि अगला काम करा रहा है, ये गेट लगवा रहा है, दुनिया भर के रोड बनवाए केजरीवाल ने, त्रिपाठी। समय हाँ कांग्रेस का भी देखा था, नहीं कांग्रेस से तो इसका बेहतर रखा इन्होंने काम। बीजेपी तो इधर झांकने नहीं आते, खंडेलवाल जीत के चला गया, अभी तक तो झांकने भी नहीं आया, जीतने के बाद तो आए नहीं यहाँ पे, वो तो यहाँ पे वो कोई ना काम कराते, और हम तो वैसे भी सरकारी रिटायर हैं, हमारा तो पैसे वैसे फंसा हुआ है, आज तक सारा पैसा नहीं निकला, हमारी ग्रेजुएटी वगैरह सारी रुकी पड़ी हैं। आम भाई हम तो नई सुविधा ये है कि 80 सिटीजन हम तो कोई भी चीज़ ऐसी होनी चाहिए सबके लिए होनी चाहिए, हमारे लिए हम क्या चाहें, रोड वोड सही होने चाहिए, पानी पुणी आना चाहिए, पानी नहीं आते यहाँ, ज़्यादातर पानी नहीं आते, पानी की बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, समस्या ज़्यादा है रोडों पे। अब जैसे रोड आए बाथरूम के लिए कहा था हमने यहाँ पे, उसने अगले उद्घाटन कर दिया कि भाई हम बाथरूम बनवा दूंगा। नहीं नहीं आम आदमी पार्टी बहुत बढ़िया पार्टी है, कैमरे वैमरे सब इन्होंने लगवाए हैं और यहाँ पे सब गेट वगैरह सब इन्होंने रोड वोड। पानी की है, बिजली की नहीं है, पानी की समस्या, गंदा पानी आता है, कम पानी आता ही नहीं है, नहीं हाँ आता है तो बिल्कुल साफ आता है, ऐसा कुछ नहीं गंदा आया कुछ आता है बिल्कुल सही आता है, नहीं आता फिर दो दो तीन तीन दिन नहीं आता। किस तरह के सुधार चाहते हैं दिल्ली की सरकार आप लोगों के लिए करे, जनता के लिए? जनता के लिए वही सुधार करे, आम आदमी पार्टी सबके लिए होने चाहिए सब सुधार। ये रोड देखो ये बनती नहीं है, ये उसके बीजेपी वाला जीता था करे बनवा के दूंगा, कोई रोड नहीं है, नाली का निकास नहीं, बारिश होती है पानी भर जाता है यहाँ पे सारा। कुछ लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जीत सकती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जीत सकती है, लेकिन जो इस समय कांग्रेस की अगर हम बात करें तो इस समय जनता की पसंद जो है वो कांग्रेस बनती हुई हमें दिल्ली में नजर नहीं आ रही है। बाकी जिन अभी राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां पर कुछ राज्यों में हमें कांग्रेस की लहर जरूर नजर आई, कुछ राज्यों में बीजेपी की लहर नजर आई, लेकिन दिल्ली में इस समय फिलहाल मेजोरिटी जो है आम आदमी पार्टी की तरफ जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या सोचना है हमें जरूर बताइए, तब तक ले बनी रहे मेरे साथ पंजाब के इसी में, कैमरा पर्सन खुश रहा पंजाब के इसी दिल्ली।